पिलर का। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इस पानी के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं और मतलब इसको कैसे बना रही है डीएमआरसी। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे डीएमआरसी हो या कोई, मैं बता दूँ, जब मैंने लास्ट टाइम जब इसका आपको अपडेट दिया था इस ब्रिज का, तो मैं वो सामने वाले वजीराबाद वाले पुल के ऊपर से मैंने आपको इसका अपडेट दिया था, जिससे कि ये मैं हूं विशाल, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। और दासा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन की वीडियो अपलोड करने के बाद आज मैं यहां पर पहुंचा हूं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, और यहां से मैं जाऊंगा सुरघाट, और सुरघाट से मैं आपको दिल्ली मेट्रो के जो यमुना पर बन रहे पाँचवें पुल का एक छोटा सा अपडेट दूंगा। बहुत से लोगों ने इसका कमेंट किया था कि आप एक बार दोबारा जाकर यमुना पर बन रहे पाँचवें पुल का एक बार फिर से अपडेट दो। तो लो भाई, मैं पहुंच गया हूं विश्वविद्यालय, और यहां से जाऊंगा सुरघाट, और सुरघाट से मैं आपको दूंगा यहां का अपडेट। और फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 86% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉग देखने को मिलती रहे। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। गाइस, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सिग्नेचर ब्रिज के पास, और यहां पर आप देखेंगे मेट्रो के पाँचवें पुल का काम हो रहा है, और लास्ट ईयर 2020 में इसका काम स्टार्ट हुआ था अगस्त के मंथ में, यानी कि लगभग एक साल पूरे हो चुके हैं इस ब्रिज को बनाने के काम को। लेकिन अभी तक ये काम यहीं पर, यहीं तक एक पिलर आपको ये देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं, जब मैंने लास्ट टाइम जब इसका आपको अपडेट दिया था इस ब्रिज का, तो मैं वो सामने वाले वजीराबाद वाले पुल के ऊपर से मैंने आपको इसका अपडेट दिया था, जिससे कि ये पूरा उतना क्लियर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी इस वक्त मैं हूँ सिग्नेचर ब्रिज के पास, और मैंने कोशिश की थी कि आपको उस वाले रास्ते से आकर दिखाऊं, लेकिन वहाँ पर आज भगवान गणपति जी का विसर्जन है, जिस वजह से वहाँ पे कुछ पुलिस वाले तैनात हैं जो कि वहाँ से उस वाले रास्ते पर जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। बट फिर भी मैंने सिग्नेचर ब्रिज का इस्तेमाल किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पर मेट्रो के पुल का काम हो रहा है, और जो कि ये पांचवा पुल है। अब आप कहोगे कि भाई, मैं इसको बार बार पांचवा पुल क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, दिल्ली मेट्रो के इससे पहले यहाँ यमुना पर चार ब्रिज ऑलरेडी हैं, मतलब चार पुल पहले से ही दिल्ली मेट्रो के हैं। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला पुल जो है वो कश्मीरी गेट को शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से जोड़ता है, और जो दूसरा पुल है वो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन को यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन से जोड़ता है, जो कि ब्लू लाइन का है। तीसरा यही पिंक लाइन का ये पुल है, जो कि निज़ामुद्दीन को मयूर विहार पॉकेट वन की साइड से जोड़ता है। और चौथा पुल हमारे मैजेंटा लाइन का है, जो कालिंदी कुंज और ये ओखला वाला है। और पाँचवा पुल ये बन रहा है, और अभी तक आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको एक पिलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है पिलर का। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इस पानी के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, और मतलब इसको कैसे बना रही है डीएमआरसी। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे डीएमआरसी हो या कोई और हो, अगर वो किसी भी नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज बनाती है, उसका पिलर बनाती है, तो उससे पहले वो वहाँ पर कॉफर डैम का यूज़ करती है, जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का कॉफर डैम है। और ये छोटे छोटे लोहे के स्ट्रक्चर से बना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसे भारी भरकम क्रेन की मदद से पानी के अंदर, पानी की सतह तक डाला जाता है, और उसके बाद उसको क्रेन की मदद से ही पूरी मजबूती से उसको अंदर की तरफ डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो उसमें जो बचा हुआ पानी रहता है, उसको किसी मोटर या पंप की मदद से निकाल कर वहाँ पर पिलर का काम किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल आपको एक ये पिलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर छोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि अभी काम चल रहा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा स्लो है। लगभग एक साल हो चुके हैं इस मेट्रो के काम को
होते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा काम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि वर्कर है उस साइड की तरफ, मैंने देखे थे, मैं जब वहाँ वजीराबाद वाले पुल के रास्ते से आ रहा था तो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो स्ट्रक्चर है मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब रॉड सरिये जो भी है वो मैंने देखा था, लेकिन वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया। रीज़न मैं आपको मैंने बता दिया है, वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और वो जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पुल जो होगा ये 560 मीटर लंबा होने वाला है, और आप इस पिक में इन सभी दिल्ली मेट्रो के चारों पुल और पांचवें पुल इसके, जो कि सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन को सुरघाट मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा, आप इसको भी देख पा रहे हैं ये कितने मीटर लंबा है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM की तकनीकी से इस मेट्रो के जो मेट्रो का जो ब्रिज है इसके डिज़ाइन को फाइनल किया गया है। और अगर आप BIM के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको उसके बारे में बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं अभी इस वक्त उस सिग्नेचर ब्रिज पे, और आप सामने देख रहे हैं दिल्ली मेट्रो का पाँचवा पुल, जो कि मौजपुर बाबरपुर और मजलिस पार्क वाले रूट पर पड़ता है, जो कि फेज 4 के अंदर बन रहा है और जो सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन को सुरघाट मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा। और अभी जितना काम हुआ है आप इसके अंदर देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो सिर्फ पानी आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो, ये नजफगढ़ का नाला वाला ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन है, और सामने हमारी यमुना रिवर है और आप देख ही सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जब आपको मैंने अपडेट दिया था मौजपुर बाबरपुर से सुरघाट तक का, तो मैं वजीराबाद वाले पुल से आया था और वहाँ से मैंने आपको इसका अपडेट दिया था, और उसमें मैंने आपको ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी कि मैं जब नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर कभी भी आऊँगा तो आपको बिल्कुल नज़दीक से इसका अपडेट दूँगा। लेकिन आज भी मैं वैसा कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे इस सिग्नेचर ब्रिज का यूज़ करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेट्रो का ये जो पांचवा पुल है वो वजीराबाद पुल और सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच बनेगा। और मैं जब भी आपको पिंक लाइन फेज 4 का अपडेट है जब मैं दोबारा दूंगा, तो आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इसका अपडेट मैं बिल्कुल वहाँ उस साइड से नज़दीक से ले जा कर दिखाऊँ जहाँ पर वो आपको क्रेन दिख रहा है। तो फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, DMRC ने अभी तक इसकी फाइनल डेट को कंफर्म नहीं किया है कि ये कब तक बनकर रेडी होगा। तो यहाँ से हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में शायद ये बनकर तैयार हो जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं करता हूँ अपनी वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।